महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर के जेजे अस्पताल के अध्यक्ष गणेश सोलंकी ने बुधवार को बताया कि पिछले 3 दिनों के भीतर राज्य के विभिन्न अस्पतालों के कुल 330 रेजिडेंट्स डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही मुंबई में ब्रहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के 6 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके साथ ही यहां के कुल 66 कर्मचारी कोरोना संक्रमण के चपेट में हैं। यह जानकारी ब्रहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट PRO की ओर से दी गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इसके जरिए आवश्यक वस्तुओं के परिवहन और डिलीवरी की निगरानी की जाएगी। औद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने पिछले साल अप्रैल में भी इसी तरह का कंट्रोल रूम बनाया था। विभाग ने कहा कि कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदमों का उसने संज्ञान लिया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को राज्य के साथ साझा किया जाएगा। विभाग ने कहा कि अगर किसी थोक या ई कॉमर्स कंपनी को माल के परिवहन और वितरण के अलावा संसाधन जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो वह विभाग के अलावा टेलीफोन नंबर पर 2306-0625 पर भी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सूचना दी जा सकती है।